गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू लेसन द रेड थ्रेड फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो फॉर द क्लास 12 पार्ट 8। अप टिल नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ द पेडलर वाज गॉट कॉट इन द बेट व्हेन ही स्टोल 30 क्रोनर बिल फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर। तो अभी तक मैं आपको ये बता चुका हूँ कि किस तरह से रेड थ्रेड पेडलर जो था वो 30 क्रोनर बिल की वजह से अपने आप को एक जाल में फंसा लेता है। इससे पहले वो तो सोचता था कि पूरा का पूरा संसार एक जाल में फंसा हुआ है और उसे बड़ा मज़ा आता था ये सारी बातें सोचना। लेकिन अब वो जब खुद फंसा, जंगल के रास्ते से अपनी जान को बचाने के लिए निकल रहा था और जंगल में ही फंस कर रह गया, तब उसको महसूस हुआ कि किस तरह से मैं स्वयं अपने आप को फंसा बैठा। और वो धीरे धीरे करके और आगे चलकर फंसता चला गया और एक फोर्ज में पहुंचा, जो आयरन मिल थी, लोहे की पट्टी थी। वहां पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि मैं और ज़्यादा इस जगह फंस गया हूँ। तो वहां पर उसकी मुलाकात उस आयरन मिल के मास्टर से होती है। वहां पर जाकर और ज़्यादा फंस जाता है। ही वॉज ट्रैप्ड इन दैट नेट ऑफ दैट बेट। अब देखते हैं उससे आगे क्या होगा। यहाँ पर यह भी हुआ था कि जो आयरन मास्टर था उससे रिक्वेस्ट भी करता है दैट इफ़ यू वांट टू गो विद मी एट माय होम देन यू कैन कम, बट ही वाज नॉट श्योर, ही डिड नॉट वांट टू गो विद द पेडलर आयरन मास्टर। ही एक्सेप्टेड द फर कोट। यहाँ से स्टार्ट करना था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ पर्सुएशन देन हिमसेल्फ। अभी क्या हुआ कि आयरन मास्टर जो था वो तो वहां से चला गया रिक्वेस्ट करके, चलो मेरे घर चलो। तुम्हारा अपना वो ओल्ड कॉमरेड उसे समझता है, कॉमरेड मीन्स कंपेनियन समझता है। तो कंपेनियन समझने के वजह से वो कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन पेडलर ने उसे रिफ्यूज करके साफ मना कर दिया था, आई डोंट वांट टू गो विद यू। तभी वहाँ से जो आयरन मास्टर था वहाँ से वापस चला गया। लेकिन आधा ही घंटा नहीं निकला था, आधे घंटे के अंदर कैरिज आई, गाड़ी आई और फोर्ज के बाहर खड़ी हो गई। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और तभी एक नया गेस्ट आया, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। लेकिन जो गेस्ट था वो इस बार आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ पर्सुएशन देन हिमसेल्फ। स्टूडेंट्स, पर्सुएशन मीन्स टू कंसिडर, समझाना। तो यहां पर जो आया था वो आयरन मास्टर की बेटी थी, डॉटर थी, और वो यहां पर समझाने आई थी किसको, आयरन पेडलर। और यहां पर उसने क्यों भेजा था अपनी बेटी को, क्योंकि उसे ये पता था कि अगर ये मेरी बेटी जब जाएगी, ये मुझसे ज़्यादा समझदार है, ये समझाएगी, तो शायद पेडलर मेरे साथ आ सकता है। She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. Now a new word came, valet. Valet means servant. She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. तभी valet आया, servant आया, और उसके हाथ में एक बड़ा सा फर का कोट लगा हुआ था। She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. वो इतनी सुंदर तो नहीं दिखाई दे रही थी जो आयरन मास्टर की लड़की थी, लेकिन modest, विनम्र, थोड़ी शर्मीली
इस टाइप से दिखाई दे रही थी, अच्छा नेचर वाली लड़की दिखाई दे रही थी। शी वॉज रिस्पेक्टफुल इन द पोर्च, एवरी थिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फोर्ज में सब कुछ वैसी था, जब आयरन मास्टर आया था उसने देखा था, सब कुछ वैसी था, कोई भी चेंजेस नहीं। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, सब कुछ वैसी था कैसा था जब आयरन मास्टर पहले आया था, जैसे फोर्ज में काम चल रहा था वही सारा काम। अब उसकी बेटी आई तो बेटी के आने पर भी वैसे ही चल रहा था। क्या था वो? द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर ब्रेंच, तो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था उसका जो हेल्पर था अप्रेंटिस, आई टोल्ड यू बिफोर अप्रेंटिस मीन्स हेल्पर, वो सब के सब जैसे काम अपना पहले कर रहे थे वैसे ही बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, जो आयरन था चारकोल था ये सब जैसे फर्नेस में पहले ग्लो कर रहा था अब भी वैसे ही ग्लो कर रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर and lay with a piece of big iron under his head and his head pulled down over his eyes. Stranger, यहाँ पर stranger कौन है? Peddler, जो peddler था वो अपने आप को तान कर सोए हुए था। The stranger had stretched himself out on the floor, first पर फोर्ज में जो भट्टी थी वहाँ पर आयरन मिल थी, आयरन मिल में आराम से फैला हुआ सो रहा था। एंड ले अ पीस ऑफ बिग आयरन अंडर हिज हेड, और जैसे कि आप तकिया या लगाकर सोते हो तो उसने अपने सिर के नीचे क्या लगाया हुआ था? एक बिग आयरन का टुकड़ा। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और जो उसका हेड था वो उसकी आंखों पर रखी हुई थी। As soon as the young girl got sight of him, she went up and lifted his head. जैसे young girl, जो iron master की लड़की थी, उसने जैसे ही उसको देखा, peddler को देखा, वो तुरंत उसके पास गई, peddler के पास गई और उसके head को उसके चेहरे से हटाया। The man was evidently used to sleeping With one eye open, जो व्यक्ति evidently used to sleeping, जो सो रहा था एक आँख से, एक आँख खोले हुए सो रहा था, एकदम से अचानक ही he jumped up abruptly and seemed to be quite frightened, एकदम से jump उसने मारी अचानक and seemed to be quite frightened, वो कैसा दिखाई देने लगा? डरने लगा। क्यों? बिकॉज ही वॉज स्ट्रेंजर, ही डिड नॉट नो एनी वन इन दैट फोर्ज, फोर्ज में वो किसी को जानता नहीं था, तो इस वजह से वो उसके अंदर एक अफ्रेड, एक फियर अपने आप होने लगा और फिर जंप करके उठ गया एब्रप्टली। एब्रप्टली मीन्स तुरंत, जल्दी, अच्छा। माय नेम इज एडला विल्मेंसन, said the young girl, अब उस लड़की ने अपना नाम बताया पेडलर को कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, तो पिताजी ने मुझे बताया कि आप आज की रात यहाँ पर आयरन मिल के अंदर सोना चाहते हो।
एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। और ये बात मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने फादर से परमिशन मांगी कि मैं जाती हूँ और उनको अपने घर लेकर आती हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। और मुझे ये बहुत बुरा फील हो रहा है, इतना बुरा फील हो रहा है, क्यों कि तुम्हारा इतना बुरा समय आ गया है कि आप पहले क्या थे और आज क्या कंडीशन है। सो मच बैड कंडीशन यू आर सफरिंग यू आर फेसिंग। शी सेड दिस इन सॉरी शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली। कंपैशनेटली मीन स्टूडेंट्स kindly. She looked at him compassionately with her heavy eyes. तो फिर compassionately, kindly, heavy eyes के साथ उसने देखा। heavy eyes जैसे आंखें भरी हुई होती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, heavy eyes। तो एक तरह से हम कह सकते हैं that it is a language of proverb. Proverbial language. And then she noticed that the man was afraid. और उसने क्या देखा? एडला विल्सन ने देखा कि पेडलर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। Either he has stolen something or else he has escaped from jail. और ये ऐसी कंडीशन कब होती है? उसने जब देखा एडला विल्सन ने, तो ऐसा फील हो रहा था कि ये इतना डरा हुआ है जैसे इसने कुछ चोरी किया हो या फिर ये जेल से छूट कर आया है। तो इस बात को देखकर वो अपने आप में डर रहा। She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came." She thought and added quickly. उसने सोचा और तुरंत ही कहा, "You may be sure, Captain, कि तुम पक्के यकीन के साथ हमारी बात पर ये विश्वास मानो कि और उसको किस तरह से संबोधित किया, क्या नाम लेकर, कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस, कि जब आप हमारे घर आ जाते हो, यदि आप हमारे घर आते हो तो जब तुम्हारा मन करे, जब तुम फ्री हो जाओ तब वहां से जा सकते हो। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। सिर्फ और सिर्फ आप मेरे पास क्रिसमस, हमारे घर क्रिसमस ईव के ओकेजन पर, सिर्फ क्रिसमस मनाने के लिए एक दिन के लिए आप हमारे घर एक गेस्ट के रूप में चलो और हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करो। She said this in such a friendly manner that her rat-trap peddler must have felt confidence in her. और उसने कहा एक फ्रेंडली मैनर that the rat-trap peddler, कि जो रेड ट्रैप पेडलर है, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि तुम मेरी बातों का विश्वास मानो। एक फ्रेंडली वे में उसने कहा, एडला विल्सन ने पेडलर से कहा कि तुम मेरी बात का विश्वास करो, जब तुम्हारा मन करे तुम वहां से जा सकते हो। ओनली कम विद अस टू सेलिब्रेट द क्रिसमस फॉर द क्रिसमस ओकेजन। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ बेस, He said, I will come at once. तो फिर इस तरह से एक रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्ट किया पेडलर ने, और फिर उसने कहा that you don't have to bother, कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे साथ तुरंत चलूं, क्योंकि उसे फील हुआ कि शायद मेरे लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। Up till now he was feeling bad for everything, but now he is feeling that now my days are going to be changed. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow. फिर उसने वो जो फर कोट था, वैलेट सर्वेंट लेकर खड़ा हुआ था, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। एंड आई विल हैव टू चेंज माई क्लोथ्स विच वर इन रैग्स, वो फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, तो उसने वो फर कोट पहन लिया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसने वो जो फटे पुराने कपड़े थे वो फेंक दिए। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, और यंग लेडी एडला विल्सन के पीछे पीछे गाड़ी तक गए।
Without granting the astonished blacksmith so much as a glance. Without granting the astonished blacksmith so much as a glance. जिस तरह से वहां पर जो काम करने वाले ब्लैक स्मिथ थे उन्होंने उनको इग्नोर किया, वैसे यहाँ पर इसने भी पेडलर ने भी उनको ब्लैक स्मिथ जो काम कर रहे थे, हेल्पर जो काम कर रहे थे, उनको भी इग्नोर करके चला गया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अभी तक जो भी पेडलर के साथ स्टोरी हो, जो भी उसके साथ एविडेंस हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके साथ घटना घटित हो रही है, वहाँ पर वो पहले अपने आप में नेगेटिव है, उसकी हेल्प भी हो रही है, उसे अच्छा भी फील हो रहा है, लेकिन उसे ये भी कन्फर्मेशन है कि शायद मैं कहीं ना कहीं फंसता जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ट्रैप इन सम नेट, आई एम गोइंग टू गेट ट्रैप इन अ टेंशन, इन अ वरिडनेस। इस तरह से वो आगे एडला विल्मसन की बात मानकर उसके साथ घर चला जाता है। Today your part 8 is still here. Your part 8 for the lesson The Red Thread is completed. In the next video I will explain you next part of the chapter The Red Thread. Students, you will have to pay attention towards your chapters. Till then, thank you and goodbye.